नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल टॉपिक है, ये अंडर चैप्टर है फार्मेसी एक्ट 1948 के, फार्मेसी एक्ट के अंदर जो फार्मेसी एक्ट बनाई गई थी, उस फार्मेसी एक्ट का मेन दो ऑब्जेक्ट था, दो एम था। नंबर वन, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, एंड नंबर टू, टू कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, इसके लिए फार्मेसी एक्ट ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, उसका नाम दिया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से जो दूसरा इनका ऑब्जेक्ट है फार्मेसी एक्ट का, जो फार्मेसी एक्ट का जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड एम है, वो क्या हमारा है, टू कंट्रोल ओवर पर्सन एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन। जो भी पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन एंटर करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखना, उनको रेगुलेट करना, और उनके ऊपर कंट्रोल के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट ने एक काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया, और उसका नाम दिया गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी एक्ट के अनुसार हर एक स्टेट के पास एक अपनी काउंसिल होनी चाहिए, और इसका नाम होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आज हम लोग इसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है। एक्चुअल में जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर थ्री टाइप्स के स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगे। नंबर वन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन स्टेट गवर्नमेंट। कोई एक स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट ने एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया, तो उसका नाम देंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यदि सपोज करें कि दो स्टेट्स हैं या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, और वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर के एक काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फर्स्ट वन इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेकेंड वन इज द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, थर्ड वन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट का स्टेट फार्मेसी काउंसिल दूसरे स्टेट के लिए फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करे, मींस दूसरे स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, कोई एक स्टेट है उसके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, और वो किसी दूसरे स्टेट के भी फार्मेसी काउंसिल के काम को देख रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि थर्ड टाइप हो गया कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट इज लुकिंग आफ्टर द और रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ और रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ द अदर स्टेट। मतलब क्या हुआ कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन स्टेट। नंबर टू, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू और मोर देन टू स्टेट्स। एंड नंबर थ्री, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट इज ऑल्सो रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ द अनदर स्टेट। तो इस तरह से तीन टाइप की होगी, थ्री टाइप्स की हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना है या ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो उसके में किस किस तरह के मेंबर्स होंगे। तो थर्ड कैटेगरी के हैं, उसको लोग बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम इन दोनों का स्टडी कर रहे हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगी, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो, उनके अंदर थ्री टाइप्स के मेंबर्स होंगे। मीन्स जो मेंबर्स होंगे उनको लोग थ्री ग्रुप्स में और थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन से हैं? नंबर वन इज द इलेक्टेड मेंबर्स, नंबर टू इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड नंबर थ्री इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स कौन है? स्टेट के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मिलकर के किसी भी सिक्स पर्सन्स को इलेक्ट करेंगे, सिक्स पर्सन्स को वोट देंगे और वोट करके उन्हें इलेक्ट करेंगे, तो वो पर्सन जो होंगे वो पर्सन हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स होंगे। मतलब क्या हुआ इलेक्टेड मेंबर्स? नंबर वन पॉइंट है कि सिक्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, बट इलेक्टेड मेंबर शुड ऑल्सो बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जिनको इलेक्ट करेंगे वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होनी चाहिए। एंड नंबर टू, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सॉरी स्टेट के अंदर एक जैसे हमारे फार्मेसी के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ठीक उसी तरह से मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी एक स्टेट मेडिकल काउंसिल होंगे।
तो जो स्टेट मेडिकल काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स मिलकर अपने आप में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेंगे और वो पर्सन स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी मेंबर हो जाएगा। मीन्स उस पर्सन के पास दो जगह की मेंबरशिप होगी, एक स्टेट मेडिकल काउंसिल की भी और दूसरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की भी। मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, नंबर वन 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स अमंग देमसेल्व्स, उनके अपने आप में से। ये हो गए हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। अब आगे हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट 5 पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट 5 पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे और उन 5 में से मोर देन हाफ मींस मिनिमम 3 पर्सन्स के पास फार्मेसी की डिग्री या फार्मेसी की डिप्लोमा होनी चाहिए। मींस कि 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अमंग देम मोर देन हाफ शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये हो गए हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब आई एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, तो जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो 3 तरह के होंगे। नंबर 1 इज द स्टेट ड्रग कंट्रोलर, मींस जो फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मेसी प्रोफेशन में जो गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है दैट इज स्टेट ड्रग कंट्रोलर। तो जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर होंगे, जो भी पर्सन स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पोस्ट पर अपॉइंट होंगे या वर्क कर रहे होंगे, वो पर्सन ऑटोमेटिकली स्टेट फार्मेसी काउंसिल के भी मेंबर हो जाएंगे। नंबर 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट, उस स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे वो गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे। एंड नंबर 3 होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर मीन्स कि जो भी डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन है, तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स के ऊपर जो सबसे जो हाइएस्ट पोजिशन होती है उसको लोग कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जो पूरे स्टेट का, जितने भी स्टेट्स के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन सभी के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है उस पर्सन को कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो भी ऑटोमेटिकली हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स होंगे। पर रिवाइज करते समराइज करते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं, जो 3 तरह के हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होंगे कि 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ अ स्टेट एंड 1 पर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल अमंग देमसेल्व्स। नॉमिनेशन में क्या हो गया कि 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अमंग देम मोर देन हाफ शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से हो गए, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड द गवर्नमेंट एनालिस्ट। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब हम लोग आप देखते हैं कि ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सपोज करें कि ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो वहां पे कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो वहां भी यही चीज आ गई कि इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द ईच स्टेट। हर एक स्टेट के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वो अपने आप में से 3 to 5 लोगों को इलेक्ट करेंगे और जो 3 to 5 मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दोनों या तीनों स्टेट्स के, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी द मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नंबर 2 स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ द बोथ स्टेट, ऑफ ईच स्टेट, ईच स्टेट की जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होंगे वो अपने यहां से एक एक मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और वो मेंबर्स भी इस ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हो जाएंगे। नंबर 3 ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट 2 to 5 पर्सन, 2 to 4 पर्सन को ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी और यहाँ वही कंडीशन होंगी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उनमें से एटलीस्ट मोर देन हाफ शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में वही बात यहाँ पे आ जाएंगे कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द ईच स्टेट, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफ ईच स्टेट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब जो ये मेंबर्स, अब हम एक पॉइंट और रह गए हमारी जो थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हमने क्या स्टडी किया था पहले कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल 3 तरह की हो सकती हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, नंबर 2 इज द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड नंबर 3 इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ 1 स्टेट सर्विंग द नीड ऑफ अदर स्टेट्स।
तो जो थर्ड पॉइंट होंगे, थर्ड टाइम जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगे उनमें भी यही मेंबर्स होंगे, लेकिन इनके अलावा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर है वही मेंबर्स होंगे, उनके अलावा दो मेंबर और ऐड हो जाएंगे, और वो जो दो मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, और इनमें से मोर देन हाफ मीन्स एटलीस्ट वन शुड हैव ए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी. So these are the members of the State Pharmacy Council and the Joint State Pharmacy Council. अब जब ये members nominate हो गए या elect हो गए, और जो ex officio members हैं वो तो permanent members हैं, तो जो nominated elected members होंगे, ये सभी members जो nominated हो रहे हैं या जो elected हैं, वो members हमारे 5 साल के लिए nominate या elected होते हैं. जब ये नॉमिनेट इलेक्ट हो जाएंगे तो ये एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद वो अपने आप में से एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. मीन्स हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल या ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास एक प्रेसिडेंट होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. इसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी. एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके अलावा सम अदर मेंबर्स. यहाँ कोई नंबर फिक्स नहीं है कितने मेंबर्स होने चाहिए, इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. उसके अनुसार वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, जिसको हम नाम दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी और एग्जीक्यूटिव बॉडी. अब जो पर्सन इलेक्ट नॉमिनेट हुए या जो पर्सन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर बन गए, उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में थी. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कि मेंबर्स को काउंसिल की हर एक मीटिंग को अटेंड करनी होगी. यदि वो रेगुलरली 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं तो उन्हें उसका सफिशियंट रीजन देना होगा, और यदि वो सफिशियंट रीजन नहीं दे पाते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप होगी वो मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी. नंबर सेकंड, कि कोई भी मेंबर जो भी नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड मेंबर है, वो अपने इच्छा के अनुसार कभी भी अपने पोस्ट से, अपने मेंबरशिप से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट या वर प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करेंगे. जो भी मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं, वो 5 साल के लिए हो रहे हैं. अब यहां पर सपोज कोई वैकेंसी क्रिएट हुई आइदर रेजिग्नेशन और बाय देयर रिमूवल फ्रॉम द काउंसिल, तो उनके जगह पर पर्सन फ्रेश नॉमिनेट होगा और फ्रेश इलेक्ट होगा, और जो फ्रेश नॉमिनेटेड या फ्रेश इलेक्टेड मेंबर होंगे वो रेजिड्यूअल पीरियड के लिए उनके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल की मेंबरशिप होगी. रेजिड्यूअल पीरियड क्या होंगे, सपोज करें कोई पोस्ट वैकेंट हो रही है 3 साल के बाद हो रही है, तो उस पोस्ट पे जो भी पर्सन न्यू फ्रेश इलेक्टर नॉमिनेट होकर आ रहे हैं, तो वो ऑफिस में 2 साल तक स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर रहेंगे. 2 साल के बाद वैकेंसी आ रही है तो 3 साल तक मेंबर रहेंगे. मीन जो रेजिड्यूअल पीरियड है, 5 ईयर की काउंसिल की टर्म होती है, उस 5 ईयर जो भी रेजिड्यूअल पीरियड होगा उस पीरियड के लिए वो पर्सन इस काउंसिल के मेंबर होंगे. इसके अलावा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, यहां पर एक बात और जानने की है. जब सपोज करें कि स्टेट में पहली बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कम से कम जो प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा. कब, जब स्टेट के अंदर पहली बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया वो ऑटोमेटिकली एक एडिशनल मेंबर हो जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का. लेकिन जब सेकेंड टाइम स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स अपने आप में से किसी एक को प्रेसिडेंट और किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे. इसके अलावा हम लोगों ने क्या स्टडी किया, कि काउंसिल के पास एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. अब जो काउंसिल होंगी उस काउंसिल के अंदर कुछ स्टाफ भी अपॉइंट होंगे, क्योंकि ऑफिस वर्क है, जो ऑफिशियल वर्क है, जो डेली का वर्क है, वो डेली वर्क देखने के लिए काउंसिल एक रजिस्ट्रार पे अपॉइंट करेंगे, जो रजिस्ट्रार सेक्रेटरी की तरह भी काम करेंगे. आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक सेक्रेटरी पे अपॉइंट करेंगे, और वो सेक्रेटरी रजिस्ट्रार की तरह और ट्रेजर की तरह भी काम करेंगे. इसके अलावा और भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आवश्यकता के अनुसार और दूसरे स्टाफ से और सर्वेंट्स को भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिक्रूट करती है.
जो जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार सेक्रेटरी रिक्रूट कर रही होती हैं, उस समय क्या होगा कि उनकी जो सैलरी है, उनकी जो रेम्यूनरेशन है, वो रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेंगी। लेकिन वो फिक्स करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेंगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो परमिट करेंगी उसी के अकॉर्डिंग इन स्टाफ्स की या रजिस्ट्रार की या सेक्रेटरी की या ट्रेजर के या जो सर्वेंट्स हैं, जो क्लास फोर एम्प्लॉय हैं, उनकी जो सैलरी होगी वो फिक्स होगी बाय द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि सपोज करें कि स्टेट में पहली बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट हुई है, तो उस समय जो रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और वो सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार होंगे वो 4 साल तक काउंसिल के रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी रहेंगे। 4 साल के बाद उनके टेन्योर खत्म हो जाएंगे, और फिर 4 साल के बाद जो स्टेट काउंसिल है वो स्टेट काउंसिल अपनी तरफ से किसी भी एक पर्सन को रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। अब जो मैंने स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, इस स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में 2 पॉइंट और जानना है जो टेक्निकल वर्ड्स है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है एक यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब कि गवर्नमेंट के एक्ट के अनुसार ये बताया गया है कि हर एक स्टेट के अंदर एक काउंसिल होनी चाहिए, और जब कोई एक्ट इस बात को कि कोई प्रोविजन दे रही होती है कि ऐसा काम करनी है तो उस समय कहते हैं इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम सपोज में सिगरेट का डब्बा देखते हैं, सिगरेट डब्बे पे क्या लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके पहले क्या लिखा होता है, स्टेट्यूटरी वार्निंग। स्टेट्यूटरी वार्निंग मीन्स कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट तरफ से एक्ट बनाई गई है कि हम सिगरेट के डब्बे के ऊपर वर्ड लिखेंगे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमारे बताने का मतलब यह था कि स्टैट्यूटरी वर्ड का क्या मीनिंग है। स्टैट्यूटरी वर्ड मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट के अनुसार ये प्रोविजन दी गई है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कंडीशन। तो जो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और आता है, आप बुक में पढ़ेंगे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स क्या हुआ कि सपोज करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट की गई, वो कंस्टिट्यूट की गई 5 साल के लिए, 5 साल के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल डिसॉल्व हो जाएंगी या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल डिसॉल्व हो जाएंगी, और डिसॉल्व होने के बाद वो दूसरे स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट होगी। तो उसमें क्या होगा कि जो पहले जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल थी उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोसीजर्स है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास से ट्रांसफर हो जाएंगी। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। अब इसकी वर्किंग के बारे में, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपना जो भी वर्किंग करेंगे उसका वर्किंग का पूरा डिटेल स्टेट गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी ये कॉपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सबमिट करेंगे। दूसरा पॉइंट जो जानने वाली बात है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रेवेन्यू अर्न होता है, रेवेन्यू जनरेट करती है। रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे, तो हमारे फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके पास कुछ फी आती है। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उस रेवेन्यू का जो 25% है, 1/4 पार्ट है, इन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को देनी होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट करनी पड़ेगी। मीन्स ये 75% पार्ट को खुद अपने लिए यूज करेंगे, अपने डिफरेंट वर्किंग के लिए यूज करेंगे, और जो 25% होगा वो किसको ट्रांसफर करेंगे, टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल की कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ जो मेन मेन पॉइंट्स हमें स्टडी करनी है, हमें जाननी है, एक दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। जनरली हम जब बुक में पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी तो कंफ्यूजन होता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। सिंपल, स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, उसी वर्ड से यहाँ पे बना है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई एक बॉडी है, उसमें कहेंगे गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाई एक बॉडी है, और जब एक्ट के द्वारा कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसमें कहते हैं इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स परपेचुअल सक्सेशन क्या हुआ कि एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी अथॉरिटीज है, वो सारी की सारी अपने आप दूसरे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ट्रांसफर हो जाएंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5 years। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। तो ये हमारी हो गई आज कंप्लीट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगले क्लास में वो स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल।
आज से हम इतना जान लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है, हमें मालूम है इसको हम एक टाइम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, इट रेगुलेट पर्संस एंटरिंग इनटू द फार्मेसी प्रोफेशन, इट रेगुलेट या इट कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग इनटू द फार्मेसी प्रोफेशन, और इस कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है, पहला काम कि इट गिव्स द रजिस्ट्रेशन नंबर टू फार्मासिस्ट, इट कैन रिमूव और इट कैन विड्रॉ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फार्मासिस्ट, में दो है, मींस ये फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करने के बाद ही फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करेगा। यदि फार्मासिस्ट ने किसी तरह कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, तो उनका रजिस्ट्रेशन सीज कर ली जा सकती है, और वो पावर किसके पास है, हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास। इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं कि जो भी एक्टिविटीज ये करेंगे उस एक्टिविटीज का फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी और एक कॉपी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगी। और लास्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, इनके पास जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, जो भी ये अर्निंग इनके पास आ रही है, उस अर्निंग का 25% 1/4 पार्ट जो होगा, 1/4 पार्ट ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना।